good morning. Good morning from Santorini. आज हम ग्रीस में एक छोटे से आइलैंड सेंटोरिनी में है, बेसिकली इन एया, विच इज कॉल्ड एया, हाउएवर इट हैज बीन रिटन एज ओ आई ए. होगी स्टार्ट, शुरू से कराना, मैंने टांग नहीं मारी थी आपको. तो सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, मैं हूँ अमनप्रीत कौर. आप कौन हो बताओ अपने बारे में. अच्छा, तुम बैठे रहोगे और मैं परविंदर पाल सिंह. हम लोग बहुत टाइम से वियना में रहते हैं और हम लोगों को घूमने का बहुत शौक है. तो ये हमारा पहला व्लॉग है और प्लीज बी सपोर्टिव. और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लगे तो हमें कमेंट कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा. चलो हम आपको अपने रूम की टूर करवाते हैं. This is the bathroom. आप यहाँ से देख सकते हो, बहुत सुंदर व्यू है. इस घर की सबसे अच्छी चीज जो लगी है मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ. एक इस घर का सिंक या बाथटब, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ओपन एरिया. दोपहर का टाइम है, तपती धूप है, कम से कम 30-32 डिग्री होगा, लेकिन जो 32 डिग्री यहाँ का है वो कुछ अलग ही है. ऐसा मौसम है कि आप बाहर तो वॉक कर ही नहीं सकते हैं. मैक्सिमम सारे के सारे अपने पूल्स में बैठे हैं और अमेजिंग व्यू के साथ एंजॉय कर रहे हैं. आप देख सकते हैं चारों तरफ हमारे यहाँ पर बहुत से छोटे छोटे हाउसेस हैं और वो लोग अपने अपने घरों में बैठकर मज़े से वाइन पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि सबको शाम तक एक अपनी इतनी एनर्जी लेकर आनी है जिससे कि वो यहाँ का एक अमेजिंग सनसेट व्यू एंजॉय कर पाए. ये सब लोग सिर्फ सनसेट देखने के लिए. सॉरी.
और अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर अभी 2 घंटे बाकी हैं सनसेट होने। बिल्कुल, और आप देखिए यहाँ पर कितने लोग खड़े हैं। अमोडी बे चले हैं और पता नहीं क्या होगा आगे, क्योंकि लुक इट 217 सीढ़ियां हैं इसमें। हम लोगों को वहां जाना है, पर आप देख सकते हैं अंतर्भीत वापस कैसे आएगी इन डोंकीज पर। मेरे से जल्दी तेज चल रहे हैं लोग। तो मेरे को अब भागना चाहिए। चलिए आप ये जरूर एक्सपेक्ट करेंगे, ये आवारा चला है अकेला बिना मालिक के। My girls are scared. Antapita, are you scared? No. Oi. Finally. सी फूड लवर्स के लिए अमोडी बे मस्ट विजिट प्लेस है, जहाँ से भी आप कैल्डेरे का ब्यूटीफुल व्यू क्लोजली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आप अप्रॉक्सीमेटली 300 स्टेप्स नहीं कवर कर सकते तो टैक्सी लेकर भी यहाँ आया जा सकता है। बहुत से विजिटर्स यहाँ पर क्लिफ जंपिंग, स्विमिंग के लिए भी आते हैं। हम रेकमेंड करेंगे कि यहाँ की विजिट इवनिंग या मॉर्निंग में ही प्लान करें, यहाँ पर सनसेट का एक्सपीरियंस भी अमेजिंग है। एआ से हम फिरा जा रहे हैं। सेंटोरिनी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, यहाँ की बसेस कंफर्टेबल हैं, एयर कंडीशंस हैं एंड फ्रीक्वेंटली अवेलेबल हैं। आप किसी भी स्पॉट पर कम से कम 2 यूरो की फ़ीस में पहुँच जाएंगे। वेलकम टू आर न्यू स्पॉट ऑफ एरा, जहाँ हमने एक सूट बुक किया है ऑन द क्लिफ होटल में विद अमेजिंग व्यू एंड अनदर जैकूजी। वो वोल्केनो है सामने, दैट्स थेरेसा। उसके बिल्कुल नीचे वहाँ पर छोटा सा इमरोविगली, ये सारा फेरा जिसमें हम लोग हैं। फेरा के बिल्कुल पीछे वाली जगह पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर एया, जहाँ पर हमने शुरू में अपनी 3 days 2 nights स्पेंड किए थे। अक्रोतिरी में है और ये एक आर्कोलॉजिकल साइट है सेंटोरिनी में, एंड देयर इज अ वेरी गुड हिस्ट्री बिहाइंड इट व्हिच वी गोना एक्सप्लेन यू। एक इसके पीछे एक हिस्ट्री है जो कि हम एक्सप्लेन करेंगे आपको वीडियो के अंदर जब हम आपको पूरी साइट दिखाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, यहाँ पर अंदर हम सबको मास्क पहन के रखना पड़ेगा और यहाँ की टिकट्स कुछ 12 यूरो के आसपास है, बच्चे 6 साल तक के फ्री हैं। तो आओ चलो अंदर दिखाते हैं, लेट्स गो। अक्रोतिरी विलेज सेंटोरिनी का ओल्डेस्ट विलेज है। बहुत साल पहले ये फिशिंग एंड फार्मिंग विलेज हुआ करता था, स्लोली ये सेंटर ऑफ ट्रेड बन गया। 17th century BC में जब वोल्केनो इरप्शन हुआ था तब यह सिटी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी। आपने बम्बई का नाम सुना होगा
जो इटली में है, जो सिचुएशन वहाँ हुई थी वैसे ही कुछ इस सिटी में हुआ था, पर पोम्पाई के ऑपोजिट। हालांकि ऐसा लगता है कि सबसे खराब होने से पहले अक्रोतिरी को खाली करा दिया गया। लगभग 3 दशक तक अक्रोतिरी संतोरिनी को देखा भी नहीं गया था, अंटिल आर्कियोलॉजिस्ट ने शुरुआत करी इन 1967। यहाँ की दीवारों को सपोर्ट देने के लिए वुडन का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ के मिट्टी के बर्तनों को और उनकी कलाकारी को बहुत हिसाब से प्रिजर्व किया गया है। ये साइट बहुत सालों तक क्लोज थी ताकि आर्कियोलॉजिस्ट अच्छे से काम कर सके, पर अब ये विजिटर्स के लिए ओपन है। यही हम एंड करते हैं इस आर्कियोलॉजिकल साइट अक्रोतिरी का, और अब आपको लेके चलते हैं आगे दूसरी जगह। हम लोग पी आर गोस में हैं और हम लोग 2 चर्च में विज़िट कर चुके हैं जो कि बहुत पुरानी हैं, 1660 की हैं, और कहीं तो इसमें से ऐसी भी हैं जो पूरी तरीके से टूट चुकी थी। यहाँ पर टोटल चर्च 76 हैं सिर्फ इसी टाउन में। लोग मंडे टू सैटरडे अपने घरों में प्रे करते हैं, पर एवरी वन इट्स बिग चर्च जो है वो हर संडे यहाँ पर सब लोग पूछते हैं। लास्ट डे में हमने शॉपिंग और स्ट्रीट एक्सप्लोर करी। बहुत लोगों की तरह यहाँ की भी सोच है सेव वाटर एंड ड्रिंक वाइन। हमारा ऑनेस्ट कंक्लूजन है, अगर ग्रीस सेंटोरिनी में आए तो स्पेशली एआ में कम से कम 2-3 रातें बिताएं, कंफर्टेबल क्लोथिंग पहने और सिर्फ स्पोर्ट्स शूज वेयर करें, क्योंकि सिटी में बहुत वॉक है स्पेशली अप एंड डाउन। इंडियन एंड थाली रेस्टोरेंट मिल गया है और हम लोग यहाँ पर खा रहे हैं बटर चिकन मसाला एंड दाल तड़का और नान विद वाइट राइस। आई होप कि अच्छा होगा, आगे पता नहीं यार। So much eating. Look at our view today. फाइनली आ चुका है तो हमें बुलाया, मतलब दिखा रहे हैं। हमारे आज का लास्ट दिन है यहाँ पर हॉलीडेज का, और हम लोग ऑन द क्लिफ में आए हैं ब्रेकफास्ट करने। आप देख सकते हैं विद अमेजिंग व्यू। हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। अंटिल देन, बाय बाय।